गुड आफ्टरनून एवरी वन सो वी आर डूइंगुएंस ऑफ ट्राइंगल्स एंड वी हैव डन मैनी क्राइटेरियाज इन टूडेज क्लास वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट वेन दी साइड और द एंगल इज नॉट इंक्लूडेड जस्ट लाइक वी हैव डन हमने पढ़ा है कि अगर दो साइड्स के बीच में एंगल इंक्लूडेड है देन दी ट्राएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और अगर दो एंगल्स के बीच में साइड इंक्लूडेड है दैट इज़ एस देन ऑल्सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बट वॉट इफ वी से दैट दो साइड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंगल कहीं साइड में किनारे पर है क्या तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे या फिर दो एंगल्स हैं लेकिन जो साइड है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड वो साइड कहीं किसी किनारे पर है क्या तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे देन नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस और दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया कि कहाँ पे triangle congruent हो सकता है या कहाँ पे ट्रा एंगल नहीं होगा लेट्स सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो साइड्स फोर एंड फाइव उनके बीच में फोर्टी डिग्री है दैट इज एस एस दैट वॉज कॉन्ग्रेंसी बट एस एस ए अगर दो साइड्स हैं और एंगल कहीं साइड पे होगा देन क्या होगा क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक ए बी सी है जिसमें ए बी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ए सी थ्री सेंटीमीटर ए बी सी फोर्टी डिग्री अगर दोनों का कॉमन जो बीच में एंगल होता है दैट इज़ एंगल लेकिन हमें एंगल ए नहीं गिवन है हमें ए बी फोर सेंटीमीटर ए सी थ्री सेंटीमीटर एंड जो फोर्टी डिग्री है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बिटवीन अब हमें पी क्यू आर ड्रॉ करना है पी क्यू आर हमने कैसे ड्रा किया है अगेन Q पे 40 डिग्री हमने बनाया है पी क्यू को 4 सेंटीमीटर एंड पी आर को 3 सेंटीमीटर ये तो कॉन्ग्रेंट है ठीक है बट क्या हमेशा ही कॉन्ग्रुएट होंगे क्या हम इस ट्राइंगल को ऐसे ही बना सकते हैं और कोई तरीका है येस देयर इज़ एन अदर वे हमने दूसरे तरीके से बना दिया इस बार हमने इसको थोड़ा सा ऑप्ट्यूस एंगल बनाया और 40 डिग्री क्यू को बनाया पी क्यू अगेन फोर सेंटीमीटर है पी आर थ्री सेंटीमीटर नाउ इट इज़ क्लियरली सीन कि ये दोनों ट्रायंगल कहीं से भी एक जैसे नहीं दिख रहे हमें ए बी सी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पी क्यू आर इट मीन्स ये जो एस एस ए कंडीशन है यहाँ पे भी हमें थ्री मेजर्स गिवन हैं लेकिन हम इन थ्री मेजर्स को देख कर नहीं बता सकते कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या फिर नहीं बिकॉज ये क्राइटीरिया अप्लाई हर जगह पे नहीं हो सकता तो हमने देखा कि जब हमें टू साइड्स टू एंगल्स 40 डिग्री एंड 60 डिग्री इक्वल गिवन है एंड द थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर विच इज इंक्लूडेड वाज इक्वल तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रीट थे क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एंगल्स एंड साइड इस बार किनारे पर हो थिंक आप सोचिए ट्राई कर सकते हैं आप खुद से ड्रॉ करने का कि दो एंगल्स गिवन हैं एंड जो साइड है वो किनारे पर गिवन है बीच में कहीं पे गिवन नहीं है तो इस बार हम क्या करेंगे हमने ये जो सिक्स सेंटीमीटर इंक्लूडेड साइड थी उसको नहीं लिया हमने किनारे वाली कोई साइड को ले लिया ए सी एंड पी आर को ले लिया सो दीज टू आर नाउ फोर सेंटीमीटर इस बार क्या है दो एंगल्स इक्वल गिवन है हमें कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्टी एंड सिक्सटी एंड द थर्ड साइड विच इज नॉट इंक्लूडेड जो इंक्लूडेड नहीं है वो गिवेन है इक्वल फोर सेंटीमीटर क्या पॉसिबल है अब हम क्या करेंगे हमें पता एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम वन एटी डिग्री होता है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंगली हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं दैट शुड बी सम शुड बी

सो बेसिकली ये जो ए ए एस क्राइटीरिया है ये इन डायरेक्ट वे में ए एस ए क्राइटीरिया ही होता है सो इट मीन्स ए एस इज अप्लाइड अगर हमें दो एंगल्स और साइड अगर हमें कोई किनारे की भी इक्वल गिवन है देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई दी क्राइटीरिया बट एस एस ए इज़ नॉट वैलिड सो नाउ वी विल क्विकली डू कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स इक्वल गिवन हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का कैसे पता करेंगे बिकॉज़ जब भी हमें दो ट्राइंगल्स की नेमिंग करनी होती है तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है सपोज़ ये ए बी सी ट्राएंगल है तो इसमें ए के कॉरेस्पॉन्ड कौन सा पॉइंट होगा तीनों में से बी के कॉरस्पॉन्ड तीनों में से कौन सा पॉइंट होगा एंड सी के कॉरिस्पॉन्ड तीनों में से कौन सा पॉइंट होगा हाउ वी विल गेट टू नो अबाउट दैट उस केस में हम क्या कर सकते हैं बिकॉज साइड्स जब हमें एंगल्स गिवन होते हैं सपोज करो मुझे एंगल ए जो है वो एंगल पी uh, के बराबर गिवन है तो मुझे बड़ा क्लियरली पता चल जाता है ओके okay, ए जो पॉइंट है दैट इज़ कॉरिस्पॉन्डिंग टू पी है ना एंगल से इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड बहुत इजी होता है फाइंड आउट करना जहाँ पे दो कर्व्स दिए होते हैं तो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे दो दो कर्व्स हैं वो दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं बट यहाँ साइड्स गिवन है इसका हम क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे जस्ट एग्जैक्टली फर्स्ट ट्राइंगल की तरह हम सेकेंड को भी अलाइन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जिसमें सिंगल लाइन है जिस साइड में दैट इज़ स्टैंडिंग लाइन तो इसमें भी जो सिंगल लाइन है उसको हम स्टैंडिंग बना देंगे ठीक है देन जो डबल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहां पे ये वाली डबल लाइन है तो हमने इस डबल लाइन को हॉरिजॉन्टल बना दिया तो ये बेसिकली ये जो सिंगल लाइन वाला जो साइड है इसको हमने स्टैंडिंग करा इसकी तरह हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं सो so दैट जब हम इसको इसके ऊपर ले जाएं तो ये ओवरलैप हो जाए ठीक है तो उसके लिए हमने इसको बिल्कुल इसी पोजिशन में हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल वन साइड विल बी लाइक दिस यहां पे हमारा हो जाएगा दैट इज क्यू एंड पी नेक्स्ट ये आर हो जाएगा बिकॉज जो डबल लाइन है वो क्यू आर से बन रहा है एंड जो थर्ड थ्री साइड लाइंस वाली जो साइड है उसको वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐसे बन जाएगी अभी ये दोनों बिल्कुल सेम पोजिशन पे अलाइन हो चुके हैं अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए की जगह पे कौन सा पॉइंट आया है दैट इज़ पी सो इसका मतलब जो ए है दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी सिमिलरली हमारा बी की जगह पे कौन सा पॉइंट आया है क्यू सो वी कैन सी और वी कैन से दैट बी इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड द थर्ड पॉइंट इज सी विच इज आर तो C के कॉरेस्पॉन्ड हमारा आर आया है सो इट मीन्स अगर इसका नाम ए बी सी है तो इस ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर होगा सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एंड देन गिव द नेम्स टू देम तो हम उसके अकॉर्डिंगली उनको नेम्स दे देते हैं अब आते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें गिवन होता है कुछ चीजें एंड हमें वहाँ पे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मुझे ए बी सी को डी सी बी के प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं एज इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू कि जब भी मुझे इस तरीके से दोनों ट्राएंगल एक साथ बने हुए हैं तो इट इज़ लिट बिट कन्फ्यूजिंग तो हम क्या करेंगे इन दोनों ट्राएंगल्स को अलग अलग लेकर आएंगे सबसे पहले ए बी सी अगर मैं देखूं तो दैट इज ए बी सी ये वाला ट्राइंगल जो है इसको मैंने अलग से बना दिया ए बी एंड सी जो सेकेंड ट्राइंगल है डी सी बी दैट इज डी सी बी इसको मैंने इधर अलग से बना दिया डी सी बी ठीक है सो so अभी मुझे जो जो गिवन था मैंने उसको बिल्कुल वैसे वैसे मेंशन कर दिया है ठीक है दूसरी चीज़ अभी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी देखने होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखने के लिए हम दोनों ट्राइंगल्स को बिल्कुल एक जैसा अलाइन करेंगे तभी हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का बड़ा ईजिली पता चल पाएगा तो क्या है अगर ए बी सी ऐसे करके अलाइं है तो मैं इस ट्राइंगल को भी कोशिश करूँगी फ्लिप कर दूंगी ठीक है इट मीन्स इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही अलाइन करूंगी तो मैंने क्या किया ये डी सी को इधर बनाया है ऐसे ले गई अभी ये बिल्कुल ए बी सी की तरह अलाइन हो चुका है डी तो यहीं था बस ये सी पॉइंट इधर आ गया और बी इधर आ गया जस्ट लाइक like कि हम फ्लिप कर देते हैं चीज़ों को ठीक है अब मुझे क्या करना होता है ये तो मैंने इसको इसको अलाइनिंग कर दी इसकी तरह फर्स्ट ट्राइंगल की तरह सो so दैट जब हम इनको नेमिंग दें तो हमारे लिए ईजी हो जाए नेमिंग देना ठीक है बट सबसे पहले हम जब प्रूफ करते तो प्रूफ करने के लिए हमने क्राइटीरियाज़ पढ़े हैं ना हमें पता है कि हमें ऑल दिस सिक्स मेजर्स की ज़रूरत नहीं है लेकिन कम से कम थ्री मेजर्स की ज़रूरत तो है ना उनको कॉन्ग्रेंट करने के लिए तो हम क्या करेंगे ऐसे में वट वी विल डू वट एवर इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन इन द डायग्राम फिगर में हमें क्या क्या मैंशन है ए बी जो है वो बी डी के क्लियरली इक्वल हमें गिवेन है दो दो लाइन से वो साइड मैंशन है तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू बी डी विच इज गिवेन ये रीजन है दैट इज द रीजन की गिवन इन फिगर सेकेंड थिंग हमें एंगल बी एंगल सी के गिव था सॉरी मैंने इसको फ्लिप करा नहीं किया दैट इज सी एंड बी इधर आ जाएगा सो so जो हमारा एंगल बी था दैट वाज इक्वल टू एंगल सी ये भी हमें गिवन है फिगर में ऑलरेडी मैंशनड है हमें ये कर्व से थर्ड जो चीज है दैट इज बी सी और सी बी ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं वाई बिकॉज दे आर कॉमन ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की इस वाले ट्राएंगल में भी और इसमें भी है सो वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल्स टू सी बी दैट इज ऑल्सो वी कैन से कॉमन नॉट गिवन बट द कॉमन कॉमन साइड अब हम अगर क्राइटेरिया देखें इसका मतलब जो बी सी है दैट इज इक्वल टू सी बी क्राइटेरिया कौन सा बना इंक्लूडेड एंगल एंड दो साइड्स इट मींस वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सीज कॉन्ग्रिंट टू ट्रायंगल डी सी बी एंड द रीजन इज एस एस क्राइटीरिया नाउ सपोज इफ वी आर गिवन टू ट्रायंगल सेपरेटली इस बार हम क्या करेंगे अगेन ये दोनों ट्रा तो ऑल दो खुद ही अलाइन हैं बिल्कुल सेम तरीके से तो इट इज़ वेरी क्लियरली सीन के ओके यहाँ पे एक्स की जगह पे पी लिखा हुआ है वाई की जगह पे क्यू लिखा हुआ है एंड जेड की जगह पे आर लिखा हुआ है इट इज़ ईजी टू नेम इट बट अगर हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे कैसे चीज़ों को स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे वी शुड नो दैट फर्स्ट तो हमें क्या क्या गिवन था एंगल एक्स इज इक्व टू एंगल पी क्योंकि फिगर में मेंशन है तो हम लिखेंगे गिवन देन अगेन मुझे ये भी फिगर में मेंशन है 5, y Q, तो हमने लिख दिया वाई इज इक्वल टू क्यू दैट इज ऑल्सो मेंशन तो वी कैन से इट इज ऑल्सो गिवेन ये भी गिवेन है एंड ये जो एक्सजेट साइड है दैट इज इक्वल टू पी आर ये भी फिगर में मेंशन है तो इसको भी हम गिवेन लिखेंगे तो अब क्या है थ्री मेजर्स हो गए इक्वल इसका मतलब ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर नाउ वॉट वी विल गिव द रीजन ये कौन सा क्राइटेरिया है एंगल है दो बट साइड इंक्लूडेड नहीं है सो so, ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ दैट इज एस विच वी हैव नोन दैट ए ए ए एस इज़ इन डायरेक्टली बेसिकली एस ए बिकॉज अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है सो ए ए एस क्राइटीरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए सो नाव यू शुड नो कि आपको दो ट्राइंगल्स को कांग्रेंट प्रूव करने के लिए ये फोर स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं एंड जब भी आप दोनों को इक्वल करोगे यू विल गिव द रीज़न ऑल्सो जैसे हमने यहाँ पर दिया है एंड जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करोगे देन ऑल्सो यू विल मैंशन दी क्राइटेरिया कि आपने कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया है